एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ब्यूटीफुल सा अमेजिंग एवरीडे हेयर स्टाइल जो कि आप बनाओगे सिर्फ एक बन स्टिक की मदद से। दिख रहा है आपको बन स्टिक? इसकी मदद से आप सिर्फ एक बन स्टिक की मदद से 6 एवरीडे ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल बना पाओगे। हाई भी बना सकते हो, लो भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आप हेयर वीडियोज़ को देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको लो हाई करना है। और मेन चीज़ क्या, आप इस बन स्टिक की मदद से फ्रेंच रोल्स भी बना सकते हो। दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, मतलब बहुत ही स्टाइलिश सा फ्रेंच रोल भी बताऊँगी जो कि एवरीडे हेयर स्टाइल में, या फिर मार्केट जा रहे हो, या फिर छोटा मोटा फंक्शन है तो आप ये हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। फ्रंट में आप अपनी मर्जी से बना लीजिएगा। मैं बैक का सारा हेयर स्टाइल बता रही हूँ कि ओनली वन बन स्टिक की मदद से आप बैक में किस तरीके से हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो 6 इजी क्यूट सिंपल एवरीडे हेयर स्टाइल्स हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और वीडियोस को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो होने वाले काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। और हाँ, मेरा सेकंड चैनल है सिलाई कोर्स प्रीत तिवारी, जिसमें मैं सिलाई की अमेजिंग वीडियोज़ कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड लेकर आती रहती हूँ। और जो बारीकियाँ होती हैं, शोल्डर कितना लेना चाहिए, कैसे कंधा क्यों देता, सब कुछ आपको उसमें उस चैनल पे मिल जाएगा। तो स्ट्रेट पैंट की कटिंग, पॉकेट कैसे लगाते हैं, मोरी में डिजाइंस कैसे बनाते हैं, सब कुछ। तो प्लीज़ उस चैनल पे जाइए, उस चैनल को सपोर्ट कीजिए और जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो मैं उसके लाइव आके आप लोग को जो बारीकियाँ होती हैं वो समझाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इंस्टा आई डी PreetyY24 आप लोग को देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल में मैं फ्रेंच बन बनाऊँगी जो कि बन स्टिक की मदद से बनेगा। तो सिंपली जैसे आप फ्रेंच बन बनाते हो वैसे आप अपने बालों को ले लीजिए, ऊपर की तरफ पोनी कर लीजिए। ओके, सॉरी। तो इस तरीके से मैंने बालों को ले लिया है। देन जैसे आप फ्रेंच बन के लिए ट्विस्टिंग करते हो ना, वैसे सिंपली ट्विस्ट कीजिए ऐसे, और ट्विस्ट करके सारे बालों को अंदर की तरफ हाइड कर दीजिए। ओके, ये वाला हेयर ऐसे ही छोड़ेंगे। और यहाँ पे आप लोग को बन स्टिक लेना है और थोड़ा सा हेयर आपको इसमें से लेना है, थोड़ा नीचे से लेना है, मतलब जो आपका स्कैल्प का हेयर है वहाँ से थोड़ा सा, और थोड़ा सा पोनी में से, फिर से थोड़ा सा वहाँ से, और थोड़ा सा स्कैल्प में से लेके, और फिर से इस तरीके से, और ऐसे आपका ये फ्रेंच बन रेडी हो जाएगा। इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे। और ये मतलब फर्स्ट हेयर स्टाइल है जो कि वन बन स्टिक की मदद से है। और बन स्टिक की मदद से फ्रेंच बन भी आप इस तरीके से बना सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल है। वाव, चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो सेकंड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे बन स्टिक को निकाल दिया है और फिर से आपको सारे बालों को ले लेना है। बन स्टिक को ऐसे रखना है, अगेन ट्विस्ट करना है, फिर से ऐसे रखना है, फिर से ट्विस्ट करना है, जितना लेयर है आपके बालों का इस पर ट्विस्ट करके, और ऊपर की तरफ से ऐसे लाके और अंदर की तरफ इस तरीके से इन कर देना। ये भी नहीं खुलता है, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा आपका हेयर स्टाइल। और ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ, जहाँ से आपको लूजिंग लगे आप दोबारा से मतलब टाइट करके ले सकते हो। तो मैं फिर से बता देती हूँ, इस तरीके से टाइटली लोगे तो कहीं से भी हेयर लूज नहीं पड़ेगा। ओके, दैट्स इट, हो गया टाइट। और ये बहुत ही टाइट है, ऐसा नहीं है कि खुल जाएगा, कहीं भी नहीं खुलता। आप पूरा एवरीडे हेयर स्टाइल में इसको यूज कर सकते हो ये हेयर स्टाइल। तो ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली सारे बालों को ऊपर की तरफ ले जाके, सॉरी ऊपर की तरफ ले जाके इस तरीके से ट्विस्ट करना है। इस साइड के हेयर को अंदर की तरफ इस तरीके से पुल कर लेना है। देन अपने इस ये जो बन बनाया हुआ है इसको ऐसे ही रखेंगे और इसके अंदर से बन स्टिक को इन करके ऐसे निकाल देना है। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया ओनली वन बन स्टिक की मदद से। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। तो फोर्थ हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सारे हेयर को लेना है, और ट्विस्ट करना है।
ट्विस्ट करके इसको राउंड राउंड लपेटना है। ओके, उसके बाद आपको बन स्टिक लेना है, अंदर की तरफ से एक बार इस तरीके से निकालना है, फिर आपका स्कैल्प का हेयर थोड़ा सा लेना है और इसको ऐसे निकाल देना। तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया, ओनली वन बन स्टिक की मदद से। पांचवे हेयर स्टाइल में क्या करना है, पांचवे हेयर स्टाइल में आपको सिंपली सारे बालों को ले लेना है फाइव इजी एवरी डे बन हेयर स्टाइल ओनली वन बन स्टिक की मदद से। तो सारे हेयर को ऐसे लपेट देना है, देन ये जो आपका होल है इसको इसके ऊपर से ऐसे लेके जाना है, देन यहाँ पे जो है इसको पकड़ना है और बन स्टिक को सिंपली इसके अंदर से इंसर्ट करके ऐसे निकाल देना है। ये भी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बिल्कुल भी नहीं खुलता है, एवरीडे हेयर स्टाइल के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल हो गया। तो चलते हैं छठे हेयर स्टाइल की तरफ। छठे हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सारे हेयर्स को सिंपली ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके जो आपने ये फ्रेंच रोल बनाया है इसके अंदर सारे हेयर्स को इंसर्ट करके ऐसे करके पकड़ लेना है। अभी देखिए यहाँ पे बन स्टिक को लगाना कैसे है, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से थोड़ा सा हेयर ले लेंगे, स्कैल्प का थोड़ा सा हेयर ले लेंगे, फिर से रोल का थोड़ा सा हेयर लेंगे और फिर से स्कैल्प का हेयर लेंगे, जैसे फर्स्ट हेयर स्टाइल हमने किया था, फिर से रोल का थोड़ा सा हेयर लेंगे और दैट्स इट। तो ये हमारा छठा हेयर स्टाइल हो गया, काफ़ी इजी है, काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, काफ़ी स्टाइलिश रहता है। एवरीडे हेयर स्टाइल के मार्केट वगैरह जा रहे हो तो आप बहुत ही आसानी से ये सारी हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो आपको सबसे अच्छा कौन सा हेयर स्टाइल लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, और इंस्टा आईडी PreetiBai24 है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा और भी इस तरीके की अमेजिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते हुए आपको अभी कोई हेयर स्टाइल जानना है, देखना है, सीखना है तो ज़रूर बताएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, इंस्टा आईडी पे भी जरूर जाएगा मेरा जो सेकंड चैनल है, वहाँ पे भी जरूर जाएगा। और एक और बात आप लोगों से शेयर करनी थी, मेरा जो सेकंड चैनल जो मेरा पार्लर है वो रजिस्टर्ड हो चुका है एमफिक्सो कंपनी के थ्रू। ये कंपनी इंडिया में जगह जगह अपने ब्रांच, मतलब इंडिया में जगह जगह पार्लरों से कॉन्टैक्ट कर रही है और पार्लर्स को रजिस्टर्ड कर रही है, जिनसे आप अपने पार्लर में जो भी स्टूडेंट को सिखाते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा और उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे वो अपना पार्लर कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी ओपन कर सकती हैं। और जब उनके पास ये सर्टिफिकेट मतलब लीगली रूप से पूरा मान्य है, तो आप एमफिक्सो कंपनी के थ्रू अगर आप मुझसे ऑनलाइन कोर्स भी करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं वहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी, वहाँ से मैं आपको ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखा दूँगी, जिससे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और काफ़ी सर्टिफिकेट मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे से मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझा पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।